गाइस, गुड मॉर्निंग, दिस इज कृष्णा, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज है सैटरडे और मैं रेडी हो चुकी हूँ और अभी नीचे ब्रेकफास्ट करने जाऊँगी। मैं नीचे आई थी और ये रही मम्मी। मम्मी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। तो आप क्या बना रहे हो आज? आज रसा वड़ा खट्टा मोड़ा। हाँ, पूरी मसाला वाड़ू दूध, मतलब ड्राई फ्रूट्स तो ना खाओ। हाँ हाँ खाओ फिर। हाँ हाँ दूध पाक नहीं खाओ? नहीं, दूध पाक नहीं पसंद है। मसाला वाला दूध। हाँ, मसाला वाला दूध। तो मम्मी आपने ये इसमें क्या लिया, ये जो बोल है उसमें क्या लिया है आपने? ये कस्टर्ड पाउडर है। हाँ, कस्टर्ड पाउडर है। कस्टर्ड पाउडर है, इसमें थोड़ा सा दूध डालूंगी मैं, केसर डालूंगी। तो आपको गाइस ये रेसिपी भी दे रही है मम्मी, बाद में जब दूध बॉइल हो जाए। और वो केसर है वहाँ पर? हाँ, अच्छा केसर है। जब दूध बॉइल हो जाएगा ना, हाँ, तो मैं इसमें डालूंगी ये जो बनाया ये मिक्सर। हाँ, उसको दूध में डालने का पाउडर है, थोड़े से दूध में डाला है ना। हाँ, केसर वाला। हाँ, जब दूध बॉइल हो जाएगा ना, हाँ, तब मैं इसमें डालूंगी। तो इतनी सी क्वांटिटी चल जाएगी उसमें? हाँ, चल जाएगी। और फिर शुगर डालने का? ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है ना इसलिए। अच्छा, अगर ज़्यादा गाढ़ा करना है ना तो ये ज़्यादा डालने का, कस्टर्ड पाउडर। हाँ, अभी मैंने 1.5 चम्मच लिया है। थोड़ा सा केसर डालो इसमें। अच्छा, इस तरह से इसे दूध में मिक्स कर देना है। अच्छा, फिर जब ये दूध बॉइल हो जाए तब उसमें थोड़ी सी शुगर, सब जितना आपको मीठा पसंद है उस हिसाब से शुगर डालिए आप। शुगर जब थोड़ी सी, मतलब इसमें एक दो उबाल आ जाए फिर डालनी है, फिर ये कस्टर्ड पाउडर डालना है। अच्छा, फिर आप इसके अपने हिसाब से, अपनी चॉइस के हिसाब से इसमें ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं। अगर डालना है तो डालें, नहीं डालना है तो ऐसे ही नॉर्मल मीठा मीठा बना सकते हैं। हाँ, आपकी पसंद। अच्छा, आप जैसा खाना पसंद करो। ड्राई फ्रूट डालो इसमें, अच्छे लगेंगे ड्राई फ्रूट। डाल दो ड्राई फ्रूट्स भी। डालना तो डाल, नहीं डालना तो नहीं डाल। डाल दो ड्राई फ्रूट्स भी। ओके ओके। सो गाइस, पापा भी नीचे आ चुके हैं। गुड मॉर्निंग पापा। गुड मॉर्निंग। तो आपने ब्रेकफास्ट कर लिया? Yes. क्या खाया ब्रेकफास्ट में? चाय और भाकरी। चाय और भाकरी, वाह, मस्त कॉम्बिनेशन है। ऑल टाइम फेवरेट। ऑल टाइम फेवरेट है। हाँ, तो आपने अपना ब्रेकफास्ट इंजॉय किया? Yes, एकदम। दादा गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। जय श्री कृष्ण। तो दादा पेपर पढ़ रहे हैं सुबह सुबह। और दादी मंदिर गई है? गाइस, अभी दादी तो मंदिर गई है, तो कृष्णा भगवान ने भी अभी, मतलब कृष्ण भगवान को भी नहलाया नहीं है, तो दादी आती है फिर मैं आप लोगों को उनसे मिलवाती हूँ। तो गाइस, मम्मी ने ये गरम कर लिया है और इसमें मम्मी ने कुछ ऊपर से ड्राई फ्रूट्स भी डाल दिए। कौन से ड्राई फ्रूट्स डाले मम्मा? पिस्ता एंड बादाम। हाँ, पिस्ता और बादाम को ऐसे मैश करके डाला है कि ऐसे ही? नहीं, उसकी जो कतरन आती है ना। हाँ, वो हमारे पास रेडी पड़ी, वही डाल दी। और ये एक्स्ट्रा भी आप बादाम डाल रहे हो उसके अंदर? तो बादाम का और पिस्ता का तो कोई टेस्ट आता नहीं है? सबका टेस्ट आता है। और फिर मम्मी ने इसमें इलायची भी डाली थी थोड़ी, और फिर ये बादाम और पिस्ता, जायफल पाउडर डाला है। सब डाला। अच्छा, और यहाँ पर ये मग भी गरम, वो मतलब कर दिए, बॉईल कर दिया है। बॉईल कर दिया है। सो गाइस, दादी मंदिर से आ गई है। दादी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। जय श्री कृष्णा। मंदिर गया था? मंदिर गई थी। हाँ, अबे कृष्ण भगवान ने नवरण बाकी छे? कृष्ण भगवान नवरावना बाकी छे। हाँ, एने दूध भराई दीधो। हाँ, अबे आ शू करवानो? अबे मसाला करवाना ने बेटा। अच्छा। हाँ, मसाला भरा जो पड़से ने। हाँ, अने कृष्ण भगवान ने कहे नवरावना? कृष्ण भगवान ने अबे नवराई दी। हाँ, नवड़ा तो पड़े। हाँ, नहीं है तो भगवान ने पर नवड़ा पड़े।
हाँ ये पहले निकालेगी देखो। स्नान करेंगे तो पहरा तू ना સારું થાય કૃષ્ણને ગુંજાની માળા બહુ ગમે તમે ગમે તેવા હાર પહેરાવો પણ એને ગુંજાની માળા પહેરાવો એટલે કાનો બહુ જ રાજી થાય ખુશ ખુશ થઈ જાય બહુ મસ્ત હૈ એ ઉપર પહેરવાની કીધી હૈ એકદમ મસ્ત મસ્ત લાગે છે सो गाइस अभी दादी कान्हा जी के आगे एकदम मस्त मस्त से एनिमल्स सारे ऐसे सजा के रख रही है जो उनके टॉयज है उनको एकदम मस्त तरीके से सजा रही है तो मस्त लग रहा है पूरा ये दादी होली के वक्त ये पिचकारी लाई थी कृष्ण भगवान के एकदम मस्त मस्त छोटी छोटी सी और यहाँ पर राधा कृष्णा की भी ऐसे फोटो है यहाँ पर इंस्क्राइब तो बहुत बहुत मस्त लग रही है क्यूट लग रही है एकदम दादी हाँ जी बोलो ओ क्या तैयार केवो लागे छे मारो कृष्ण एकदम मस्त लागे छे लागे छे ने हां सो गाइस अब दोपहर के 12 बज रहे हैं और इसको देख ही सकते हो आप लोग ये शैतान घर में वापस आ चुका है कितने बजे ट्यूशन गया था जज 9 और अभी 12 बज रहे 3 घंटे हां तो अभी दोपहर को तो नहीं जाना होगा फिर नहीं तो कल जाना है हां सुबह जाना है कितनी पढ़ाई करनी पड़ती है एग्जाम में हाँ तुमको ऐसा लग रहा है कि थकावट ऐसा फील हो रहा है हाँ थकावट बहुत हो रही है ना 3 घंटे बैठ के थकावट तो ऑफ कोर्स फील होगी तो पूरा ऐसे सो गया तुम्हारा ऐसा तो नहीं आया हुआ है लेकिन तुम्हारी पढ़ाई हो गई पूरी मंडे की एग्जाम की पूरी हो गई पक्का 100% फुल आ जाएंगे एग्जाम में 100 और 100 आ जाएंगे कॉन्फिडेंस तो भाई का अच्छा है तो गाइज अभी दोपहर के 12:30 बज रहे हैं एंड चलिए अभी हमारा लंच कर लेते हैं तो लंच में है ये रस्से वाले मग जो मम्मा ने सुबह आपको बताया था फिर ये दूध जिसकी रेसिपी मम्मा ने शेयर की थी मसाले वाला दूध ये पूरियाँ है छोटी छोटी सी एकदम मस्त है और लाइक मसाले वाली पूरी बोल सकते हो इसको और ये जो है वो है पापड़ जो नेसेसरी थिंग है जब ये मग वाला बनता है सब्जी तो पापड़ इज़ अ वेरी नेसेसरी थिंग बहुत मस्त लगता है सो या दिस इज़ आवर लंच तो गाइस अभी मैं मम्मी और पापा हम तीनों शॉपिंग करने जा रहे हैं तो अगर कुछ पसंद आएगा वहाँ से तो मैं आपको घर पे आके वो पूरा वीडियो लाइक उसका शेयर करूँगी अगर कुछ पसंद आया तो सो हम लोग शॉपिंग करके दोपहर को ही आ चुके थे लेकिन मैं ये वीडियो शाम को शूट कर रही हूँ तो ये मम्मी ने अपने लिए नाइट सूट लिया था दिस इज हर नाइट सूट एंड फॉर मी आई टुक दीज 3 पैंट्स लाइक 2 ब्लैक
पैंट चाहिए और एक जो है वो ब्लू कलर का पैंट है। सो गाइस दैट्स इट फॉर दिस व्लॉग। आई होप आप लोगों को ये व्लॉग बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा, और अगर आप लोगों को ये व्लॉग पसंद आया है देन डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू कॉमेंट डाउन इन द कॉमेंट सेक्शन। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाई।